तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सैमसंग A30s में कुछ दिन पहले अपडेट आया था, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों, देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ क्या उस अपडेट के बाद आपके मोबाइल में क्या चेंजेस आए हैं और क्या आपको उसमें नया अपडेट मिला है, क्या बोलते हैं, उसका रिव्यू बताने वाला हूँ। सैमसंग का जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया था A30s में, उसका रिव्यू देने वाला हूँ, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आपके मोबाइल में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसर टेक में। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के 30s का रिव्यू करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट का। दोस्तों, सबसे पहले जो फीचर बता दूँ या बोल सकते हैं क्या नया चेंजेस आया था उसके मोबाइल में अपडेट होने का, जो कि मैंने बताया था, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जोश नाम का जो ऐप है, ये प्री इंस्टॉल हो गया था जब आपने वहाँ पर अपडेट करा था अपने मोबाइल को। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आपको अपडेट होने के बाद ये आपको मिल गया था। बट अब ये तो कोई नया फीचर है नहीं, खाली बस एक नया उन्होंने एंडोर्समेंट कर दिया था, अपडेट होने का एक नई ऐप को जोड़ दिया गया था। अगर आप नहीं चाहते इस ऐप को यूज़ करना, तो आप जाके इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनइंस्टॉल नहीं होगा, आप चाहें तो उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें कोई फीचर का अपडेट नहीं आया, कोई फीचर्स अपडेट नहीं आया और कोई नया चेंजेस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। इसमें दो चीज़ का इंप्रूवमेंट हुआ है और बग्स को फिक्स किया गया है। लाइक वो दो चीज़ क्या है दोस्तों? सबसे पहला चीज़, यहाँ पर जब अपने मोबाइल को आप चलाते थे, मैं यहाँ पर स्क्रीन लगा दूंगा, अब आपके मोबाइल का जो चलाने का जो है हैंगिंग का, वो थोड़ा कम हो गया है और आपकी जो मोबाइल की स्पीड है अच्छी हो गई, मतलब चलने की। अगर आपने दो चार टास्क इकट्ठे खोल के रखे हुए हैं, उसके बाद अपने मोबाइल को आप यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका मोबाइल बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली है और यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ गैलरी खोल ली। अब मैं दो चार सब चीज़ें यहाँ पर खोलने वाला हूँ, वाइट फ़ोटोज़ खोल लिया एंड ये गूगल खोल लिया, ये यूट्यूब खोल लिया, मतलब मैंने इतनी सारी ऐप्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने रनिंग में खोल दिए हैं। और उसके बाद अब अपने मोबाइल को आप यूज़ करके देखेंगे तो उसकी जो स्पीड है अच्छी खासी हो गई है, मतलब आपका मोबाइल अब हैंग मार के नहीं चल रहा। आप देख रहे होंगे कितनी स्पीडली यहाँ पर चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको ये देखूँ तो आप देख सकते हैं ये कितना फ्रीली यहाँ पर चल रहा है। तो ये मोबाइल की स्पीड में बहुत अच्छा अंतर आया दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा अपडेट या बोले दूसरा जो मुझे अच्छा चेंजेस लगा है, इंप्रूवमेंट हुआ है, रिव्यू में बताने वाला कोई नया फीचर नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, जो दूसरा इंप्रूवमेंट हुआ है बैटरी को लेके। पहले क्या होता था, पहले जब आप अपने मोबाइल की बैटरी चलाते थे तो उसकी जल्दी डाउन हो जाती थी या बोल सकते हैं ड्रेन हो जाती थी जल्दी। बट अब इस अपडेट के बाद मुझे तो लाइकली लग रहा है कि इसकी जो बैटरी की जो चाल है, कैपेसिटी है, चलने की ड्यूरेशन है, थोड़ी इंक्रीज हुई है। ज़्यादा अच्छी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। कि पहले जितनी जल्दी हो जाती थी ना, लाइक मुझे अगर मैं पहले सुबह से लेकर दिन तक चलाता था तो मेरा 40-50% चला जाता, बट अब थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि अच्छा चल रहा है, बैटरी की कैपेसिटी अच्छी हो गई है, मतलब रनिंग की अच्छी हो गई है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने यहाँ सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ये जाना है डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे। जब डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर आपको नीचे मिलेगा बैटरी का ऑप्शन। बैटरी पे ऑप्शन में जाने के बाद आपको मिलेगा सेंस लास्ट 7 डेज का। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, मैंने 25 तारीख को अपडेट करा था। पहले मेरा 25 तारीख को मैंने कितने दिन मोबाइल चलाया आपको क्लिक करके दिख रहा होगा। 25 तारीख को जब मैंने मोबाइल चलाया था, जब 6 घंटे मेरा मोबाइल चला फुल चार्ज होने के बाद, फिर अपडेट होने के बाद 26 तारीख को 50% की इंप्रूव हुई, 6 आवर्स 55 मिनट्स। उसके बाद 27 तारीख को आप देखें कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, 7 घंटे 17 मिनट, मतलब आप देख सकते हैं 1 घंटे का इंप्रूवमेंट। और टुडे का तो आज का चल ही रहा है, 4 घंटे में अभी चला चुका हूँ और अभी भी मेरी बैटरी 41%+ आपको दिख रही होगी। तो मुझे यहाँ पर दो ही चीज़ का अपडेट या बोल सकते हैं दो चीज़ की चेंजेस मिले। पहला तो एक फीचर जो बोल सकते हैं कोई फीचर नहीं था, जोश ऐप डाउनलोड हुई, इसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, वो मैंने अनइंस्टॉल करके दिखा दी। उसके बाद दोस्तों इसकी चलने की इनहेंस वो चेंज हुआ है और थोड़ा बहुत जो स्पीड है वो बढ़ गई, और मेन चीज़ बैटरी इंप्रूवमेंट हुआ है दोस्तों। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है इस अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो थैंक यू। और हो सके तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक खोलो करना भी ना बोलिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।